अपना जायज रोल प्ले करे। आप कभी मुबाहले की तरफ, कभी मुजाकरे की तरफ, कभी मुबाइसे की तरफ जा रहे हैं, कभी ये सोच लीजिए कि ये जो माशरे के कमज़ोर तबकात है, महरूम तबकात है, पिसे हुए तबकात है, जिनको कोई माजूर कहता है, कोई अंधा कहता है, कोई गूंगा बहरा कहता है, उनके हवाले से आप लोगों ने क्या सोचा है। कल को कयामत के दिन आप लोग जब जाएंगे अल्लाह के सामने, तो वो जो मुबाहले के लिए आप लोग आग गर्म करवाना चाहते थे, कभी सोचा है कि आप लोगों का क्या हशर होगा उस वक्त जब आप अपनी सराउंडिंग में मौजूद इस तरह के अफराद को इवन अपनी मस्जिद तक एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताया जाए गिलगित की कौन सी मस्जिद जो है माजूर अफराद के लिए एक्सेसिबल है, जहां पर वो वाशरूम में जाके अपना वजू करे फिर नमाज अदा कर सके। कोई एक मस्जिद एक्सेसिबल नहीं है। तो ये अलमिया है हमारे माशरे का, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, और इस ज्यादती के पीछे कौन अफराद मुलविस है? वो जो अनबिया के वारिस है। तो अल्लाह का खौफ किया जाए। मैं यहाँ पर फिर हमारे जो माशरे सास तबकात है, टीचर साहिबान असातिज़ा, उनसे भी कहना चाहूँगा आप अपना रोल प्ले करें। आप भी अनबिया के पेशे से वाबस्ता है, आपका रोल जो है माशरे की असलाह करना है, एजुकेट करना है। आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप माजूर अफराद के हवाले से पॉजिटिव समाजी बिहेवियर्स के इनेकाद के क्याम के लिए अपना लाजमी किरदार अदा करें। तो मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ तलख भी बोला, कुछ जज्बाती अंदाज में बोला, लेकिन कभी कभी ये होता है कि दिल की भड़ास निकालनी ही पड़ती है, वरना इंसान जो है अंदर ही अंदर घुटन का शिकार हो जाता है। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान की सिविल सोसाइटी और जो पढ़े लिखे अफराद हैं, यूथ स्पेशली, उनसे ये कहूँगा कि माजूर अफराद हो या दीगर जो महरूम तबकात हो, वल्नरेबल सेगमेंट्स में वीडोस भी आती हैं, ऑर्फन्स भी आते हैं, बेघर अफराद, स्ट्रीट चिल्ड्रंस, उन सब के लिए आप लोगों का आज के इस जदीद दौर में क्या रोल बनता है और आप लोग क्या उस रोल को प्ले करने के लिए तैयार हो गए हैं, कुछ इकदाम किए हैं, इस हवाले से ज़रूर सोचें। हम आपको दावत फ़िक्र देते हैं। बहुत शुक्रिया।